कोई ना कोई एनवायरनमेंट का टेक्निकल कारण होता है जिसके ऊपर मुझे लगता है हमें मिलकर कदम उठाने की शॉर्ट टर्म ही कदम उठाने पड़ेंगे। लॉन्ग टर्म जो आगामी एक साल के अंदर ये चीज़ हमें दोबारा देखने को मिलेगी। इसके अंदर डाटा ये भी बताता है कि पिछले साल से लगभग 34% स्टबल बर्निंग हरियाणा के अंदर कम हुई और ये प्रयास है कि इसको और कम किया जाए। अगर कैसे कदम उठाए जाएंगे तो जॉइंटली केंद्र सरकार के प्रयासों से NCR संबंधित चारों स्टेट्स साथ में, क्योंकि पंजाब एक अपने आप में की रोल प्लेयर है, उनके साथ चर्चा करते हैं। लेकिन उप मुख्यमंत्री जैसे आपने कह दिया कि पंजाब कर रहा है, इसी बात को दिल्ली में कहा जाती है, दिल्ली हरियाणा पे जा रही है। मैं तो आपको नासा के जो मिनट टू मिनट डाटा अपडेट है, हरसेक के डाटा चाहिए आपको, हरसेक के भी डाटा प्रोवाइड कर देंगे जो हरियाणा की सैटेलाइट इमेजरी है। मगर मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि आज के दिन जो इस 72 घंटे का डाटा उपलब्ध है नासा की वेबसाइट पर, उसमें हरियाणा इसमें रोल प्लेयर नहीं, इसका रोल प्लेयर पंजाब। मगर दिल्ली के अंदर ये क्लॉगिंग होनी, इसके अंदर मैं ये मानता हूँ दिल्ली के जो डंप यार्ड में आग लगती है वो भी अपने आप में बहुत बड़ा एजुडियस स्टेप है जिसको दिल्ली सरकार को मॉनिटर करना चाहिए और बियॉन्ड पार्टी पॉलिटिक्स उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये केवल मात्र ये दिखा के कि 5 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिए, आपने बच्चों की सेहत के ऊपर ध्यान रखने की बजाय आज सबसे बड़ी चीज़ जो है वो जो अस्थमा के पेशेंट हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत तो उनको आती है। जो पेशेंट्स हैं जिनको ब्रोंकाइटिस है आज उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। देश के नागरिक की सेहत का ध्यान रखना मुझे लगता है कि हर सरकार की जिम्मेवारी है। हरियाणा या दिल्ली या पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन पांचों सरकार से ज़्यादा सरकार को इस पर जॉइंटली करना चाहिए। और आग्रह प्रकाश जावड़ेकर जी से हरियाणा सरकार ने किया, मुख्यमंत्री जी से मेरी चर्चा हुई, उन्होंने भी बात करी है, पत्र हम ऑफिशियली भेज चुके हैं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर एक जॉइंट बैठक बुलाकर फ्यूचर कोर्स ऑफ किस राज्यों की बैठक होगी। 5 राज्यों से आग्रह किया, 4 राज्यों जो NCR में इन्वॉल्व हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान, और उसके साथ साथ क्योंकि बारी बारी पंजाब इसमें चर्चा का विषय बनता है तो पंजाब के मुख्यमंत्री से भी आग्रह करेंगे कि उनकी ओर से। सर, सरकार नेता प्रतिपक्ष है, इस बार निजी और सरकारी स्कूल दोनों की छुट्टियां आगे उसके मतलब नहीं, ओपन एक्टिविटीज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई है क्योंकि 2 दिन तो सैटरडे संडे का है, इसमें कोई स्कूल तो चलने नहीं, और उसके अंदर 5 तारीख से पहले आज के दिन भी तो नोटिफिकेशन इशू था कि ओपन एक्टिविटी हरियाणा प्रदेश की किसी भी स्कूल में। पराली का प्रतिपक्ष कहते हैं कि जो पराली का अब तक का जो मॉडल दिया गया है वो इतना वाजिब नहीं है, उसमें जो कॉस्ट आएगी, जो डिकम्पोजर की कॉस्ट है वो किसानों पर बोझ पड़ेगी, इससे अच्छा है कि किसान उस पराली को जो वेस्ट है उसको उठाकर कुछ ढंग से अपने तरफ से प्रयोग करे। बात रख दी इसके ऊपर जब कैबिनेट की बैठक थी, जब डिकम्पोजर पर चर्चा हुई थी, उस समय ये पॉइंट भी आया था कि हरियाणा के अंदर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स अभी नहीं, जो एक था वो टेक्निकल ग्लिच के कारण आज के दिन भी खराब हो रहा है। मगर इंडियन ऑयल के साथ पानीपत के वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो है 4 जिलों को कैटर करेगा, उसको विद इन नेक्स्ट 6 मंथ फंक्शनल कर दिया जाएगा। और उसके साथ साथ कैबिनेट की मीटिंग के ये चर्चा हुई थी कि फ्यूचर कोर्स में हम ये डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लेंगे कि हरियाणा के अंदर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट और लगाए जाएँ, जिस पर सब्सिडी ज़्यादा दी जाए कि और पावर प्लेयर्स जो हैं वो आकर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स के अंदर, चाहे वो पैडी हस्क हो, चाहे वो सोयाबीन का हस्क हो, चाहे वो आपके सूरजमुखी का हस्क हो, इस तरह की वेस्ट जितना भी एग्रीकल्चर है उसको जलाने की बजाय इन प्लांट्स जो अलग अलग जगह डंपिंग यार्ड में पड़ा है, क्योंकि एज एन MP मैंने देखा कि दंडूर के अंदर बनाया गया और वो किस लेवल पर पहुँचा, मुझे लगता है जिम्मेवारी बनती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पर इनिशिएटिव लेना चाहती है कि वेस्ट टू एनर्जी प्लांट सेटअप ज़्यादा से। सर, पराली जलाने को लेकर सरकार की तरफ से किसानों के चालान काटे जा रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि किसान मजबूर है पराली जलाने के लिए और नई सरकार जो है चालान काटूं सरकार जो है वो, और इसमें एक जोक कंपोजर पर जो सब्सिडी आपने दी है उसे भद्दा मजाक किसानों के साथ बताया है, उनका कहना 20 रुपए 1 एकड़ में खर्चा। सब्सिडी कौन सी दी थी,
बताना चाहूँगा कि उस दिन आप सब ने एक मुद्दा बनाया कि 50% सब्सिडी देने की बात। हमने कहा कि डी कंपोजर को सब्सिडाइज किया जाए, किस लेवल पर किया जाएगा तो सरकार का निर्णय हो, उस पर 50% किया जाए, 70% किया जाए, 80% किया जाए। उसके साथ साथ एक मॉडल HAU का सामने आया है जो और ज़्यादा बेनिफिशियल है, जहाँ पर वेस्ट टू एनर्जी, एनर्जी इन टर्म तो बिजली नहीं गैस के तौर पर HAU में एक प्लांट लगाया गया है, जिसको हम सोच रहे हैं ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है, आगने वाले समय में गांव तक गांव पहुँचाए जाएंगे, जिससे एग्रीकल्चर वेस्ट टू गैस बनाई जाए और एनर्जी हर घर तक पहुँचाई जाए। इसको उसके ऊपर आने वाले भविष्य में जो कदम लिए जाएंगे आपको चालान की जो बात चालान काटू जो सरकार कहा जा रहा है किसान मजबूर है, कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए किसान मजबूर है। एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, चालान काटू सरकार बोलते हैं, प्रथा तो उनकी सरकार ने शुरू करी और आज कोई जाकर अफसर चालान नहीं काट रहा है, तो हर सेक की डिजिटल इंफॉर्मेशन के माध्यम से पहुँचाया जा रहा है, मगर इस पर हम लुकिंग तो कर रहे हैं कि फार्मर को इस चीज़ की दिक्कत ना आए। हाँ जी, कोई कानून NGT ने भी बना रखे हैं, आप उसको ओवररूल नहीं कर सकते। हुड्डा साहब अगर आज हमारी परिस्थिति में होते तो शायद उनकी सरकार तो इससे फालतू कदम उठाती, हम तो एक एक दाना भी परचेज करने की बात कर रहे हैं। सर, जब भी पॉल्यूशन की बात आती है, पिछली बार केजरीवाल और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बीच बैठक होती है, 12 समझौतों पर बात की जाती है, जिनमें से ट्रैफिक भी एक बड़ी समस्या थी, बदरपुर से लेकर के आश्रम तक उसको एलिवेटेड करने की बात की गई थी, लाइट फ्री करने की बात की गई थी, उनमें से एक महत्वपूर्ण बात ये थी क्योंकि ट्रैफिक भी बड़ी दिक्कत है। मेरे ख्याल से केजरीवाल जी इस पे अब जो बैठक होगी एक बड़ी सेंट्रल एनवायरनमेंट मिनिस्टर से हमने आग्रह किया है, यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट जैसे ही अगला कदम उठाएंगे, चाहे उसके अंदर मुख्यमंत्रियों को बुलाएं, कंसर्न मिनिस्टर्स को बुलाएं, कोई ना कोई एनवायरनमेंट का टेक्निकल कारण होगा जिसके ऊपर मुझे लगता है हमें मिलकर कदम उठाने चाहिए। शॉर्ट टर्म कदम उठाने पड़ेंगे, लॉन्ग टर्म जो आगामी एक साल के अंदर ये चीज़ हमें दोबारा देखने को ना मिले, इसके अंदर डाटा ये भी बताता है कि पिछले साल से लगभग 34% स्टबल बर्निंग हरियाणा के अंदर कम हुई है और ये प्रयास है कि इसको और कम किया जाए, मगर कैसे कदम उठाए जाएंगे तो जॉइंटली केंद्र सरकार के प्रयासों से NCR संबंधित चारों स्टेट्स साथ में, क्योंकि पंजाब एक अपने आप में की रोल प्लेयर है, उनके साथ चर्चा करें। लेकिन उप मुख्यमंत्री जैसे आपने कह दिया कि पंजाब कर रहा है, इसी बात को दिल्ली में कहा जाती है, दिल्ली हरियाणा पे जा रही है। मैं तो आपको नासा के जो मिनट टू मिनट डाटा अपडेट है, हरसेक के डाटा चाहिए आपको, हरसेक के भी डाटा प्रोवाइड कर देंगे जो हरियाणा की सैटेलाइट इमेजरी है, मगर मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि आज के दिन जो इस 72 घंटे का डाटा उपलब्ध है नासा की वेबसाइट पर, उसमें हरियाणा इसमें रोल प्लेयर नहीं, इसका रोल प्लेयर पंजाब, मगर दिल्ली के अंदर ये क्लॉगिंग होनी, इसके अंदर मैं ये मानता हूँ दिल्ली के जो डंप यार्ड में आग लगती है वो भी अपने आप में बहुत बड़ा एजुडियस स्टेप है, जिसको दिल्ली सरकार को मॉनिटर करना चाहिए और बियॉन्ड पार्टी पॉलिटिक्स उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो केवल मात्र ये दिखा के कि 5 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिए, आपने बच्चों की सेहत के ऊपर ध्यान रखने की बजाय आज सबसे बड़ी चीज़ जो है वो जो अस्थमा के पेशेंट हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत तो उनको आती है, जो पेशेंट्स हैं जिनको ब्रोंकाइटिस है आज उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। देश के नागरिक की सेहत का ध्यान रखना मुझे लगता है कि हर सरकार की जिम्मेवारी है, हरियाणा या दिल्ली या पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन 5 सरकार से ज़्यादा सरकार को इस पर ज्वाइंटली करना चाहिए और आग्रह प्रकाश जावड़ेकर जी से हरियाणा सरकार ने किया, मुख्यमंत्री जी से मेरी चर्चा हुई, उन्होंने भी बात करी है, पत्र हम ऑफिशियली भेज चुके हैं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर एक ज्वाइंट बैठक बुलाकर फ्यूचर कोर्स ऑफ किसी राज्यों की बैठक हो, 5 राज्यों से आग्रह किया, 4 राज्यों जो NCR में इन्वॉल्व हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान, और उसके साथ साथ क्योंकि बारी बारी पंजाब इसमें चर्चा का विषय बनता है तो पंजाब के मुख्यमंत्री से भी आग्रह करेंगे कि उनकी ओर से। सर, सरकार नेता प्रतिपक्ष है, इस बार निजी और सरकारी स्कूल दोनों की छुट्टियां आगे कुछ दिनों तक कर दी जाएगी, नहीं ओपन एक्टिविटीज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई है, क्योंकि 2 दिन तो सैटरडे संडे का है, इसमें कोई स्कूल तो चलने नहीं,
और उसके अंदर 5 तारीख से पहले आज के दिन भी तो नोटिफिकेशन इशू था कि ओपन एक्टिविटी हरियाणा प्रदेश की किसी भी स्कूल में। पराली का प्रतिपक्ष कहते हैं कि जो पराली का अब तक का जो मॉडल दिया गया है वो इतना वाजिब नहीं है, उसमें जो कॉस्ट आएगी जो डिकम्पोजर की कॉस्ट है वो किसानों पर बोझ पड़ेगी, इससे अच्छा है कि किसान उस पराली को जो वेस्ट है उसको उठाकर कुछ ढंग से अपने तरफ से प्रयोग करे। बात रख दी इसके ऊपर जब कैबिनेट की बैठक थी जब डिकम्पोजर पर चर्चा हुई थी उस समय ये पॉइंट भी आया था कि हरियाणा के अंदर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स अभी नहीं, जो एक था वो टेक्निकल ग्लिच के कारण आज के दिन भी खराब हो रहा है, मगर इंडियन ऑयल के साथ पानीपत के वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो है 4 जिलों को कैटर करेगा उसको विद इन नेक्स्ट 6 मंथ फंक्शनल कर दिया जाएगा। और उसके साथ साथ कैबिनेट की मीटिंग के ये चर्चा हुई थी कि फ्यूचर कोर्स में हम ये डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लेंगे कि हरियाणा के अंदर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट और लगाए जाएँ जिस पर सब्सिडी ज़्यादा दी जाए कि और पावर प्लेयर्स जो हैं वो आकर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स के अंदर चाहे वो पैडी हस्क हो चाहे वो सोयाबीन का हस्क हो चाहे वो आपके सूरजमुखी का हस्क हो, इस तरह की वेस्ट जितना भी एग्रीकल्चर है उसको जलाने की बजाय इन प्लांट्स जो अलग अलग जगह डंपिंग यार्ड में पड़ा है, क्योंकि एज एन MP मैंने देखा कि दंडूर के अंदर बनाया गया और वो किस लेवल पर पहुँचा, तो मुझे लगता है जिम्मेवारी बनती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पर इनिशिएटिव लेना चाहती है कि वेस्ट टू एनर्जी प्लांट सेटअप ज़्यादा से। सर पराली जलाने को लेकर सरकार की तरफ से किसानों के चलान काटे जा रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि किसान मजबूर है पराली जलाने के लिए और नई सरकार जो है चलान काटून सरकार जो है वो। और इसमें एक जोक कंपोजर पर जो सब्सिडी आपने दी है उसे भद्दा मजाक किसानों के साथ बताया है, उनका कहना 20 रुपये 1 एकड़ में खर्चा। सब्सिडी कौन सी जी जो बताना चाहूँगा कि उस दिन आप सब ने एक मुद्दा बनाया भी 50% सब्सिडी देने की बात, हमने कहा कि डीकम्पोजर को सब्सिडाइज किया जाए, किस लेवल पर किया जाएगा तो सरकार का निर्णय हो, उस पर 50% किया जाए 70% किया जाए 80% किया जाए। उसके साथ साथ एक मॉडल HAU का सामने आया है जो और ज़्यादा बेनिफिशियल है, जहाँ पर वेस्ट टू एनर्जी एनर्जी इन टर्म तो बिजली नहीं गैस के तौर पर HAU में एक प्लांट लगाया गया है जिसको हम सोच रहे हैं ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है आगने वाले समय में गाँव दर गाँव पहुँचाए जाएंगे जिससे एग्रीकल्चर वेस्ट टू गैस बनाई जाए और एनर्जी हर घर तक पहुँचाई जाए। इसको उसके ऊपर आने वाले भविष्य में जो कदम लिए जाएंगे आपको चलान की जो बात चलान काटू जो सरकार कहा जा रहा है किसान मजबूर है, कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए किसान मजबूर है। एक चीज जरूर बोलना चाहूँगा, चलान काटू सरकार बोलते हैं प्रथा तो उनकी सरकार ने शुरू करी और आज कोई जाकर अफसर चलान नहीं काट रहा है, तो हर सेक की डिजिटल इंफॉर्मेशन के माध्यम से पहुँचाया जा रहा है, मगर इस पर हम लुकिंग तो कर रहे हैं कि फार्मर को इस चीज़ की दिक्कत ना आए। हाँ जी, कोई कानून NGT ने भी बना रखे हैं, आप उसको ओवररूल नहीं कर सकते। हुड्डा साहब अगर आज हमारी परिस्थिति में होते तो शायद उनकी सरकार तो इससे फालतू कदम उठाती, हम तो एक एक दाना भी परचेज करने की बात कर रहे हैं। सर जब भी पॉल्यूशन की बात आती है, पिछली बार केजरीवाल और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बीच बैठक होती है, 12 समझौतों पर बात की जाती है जिनमें से ट्रैफिक भी एक बड़ी समस्या थी, बदरपुर से लेकर के आश्रम तक उसको एलिवेटेड करने की बात की गई थी, लाइट फ्री करने की बात की गई थी, उनमें से एक महत्वपूर्ण बात ये थी क्योंकि ट्रैफिक भी बड़ी दिक्कत है। मेरे ख्याल से केजरीवाल जी इस पर अब जो बैठक होगी एक बड़ी सेंट्रल एनवायरनमेंट मिनिस्टर से हमने आग्रह किया है, यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट जैसे ही अगला कदम उठाएंगे चाहे उसके अंदर मुख्यमंत्रियों को बुलाएं कंसर्न मिनिस्टर्स को बुलाएं, तो उसके बाद की बात है कि फाइनल कंक्लूजन क्या है। मंत्रिमंडल कब तक हो जाएगा, मंत्रिमंडल का इंतजार होता है।